श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं, और जो हिम्मत खो देते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, और वो विचार ऐसे होते हैं जो हमें और भी ज्यादा कमजोर बना देते हैं। क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। इस समय के दौरान कुछ बातें ऐसी होती है कि इनको यदि हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। यदि परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। अपने हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि यदि आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता केवल हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुद चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और इसी पर पूरी दुनिया कायम होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे, अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, समय के साथ बदलती ही जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो असफलता आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी गलतियां भी अस्थायी ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक छोटी सी बात को अपने मन में बहुत ही बड़ा बना लेते हैं और उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए, चलो तो इस तरह से कि चलने के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं व मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती है तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। ये जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन हमको जब ये समझ आने लग जाए कि समय पर हमको क्या करना है तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं।
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदा मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।